अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पाकिस्तान वेदर। उम्मीद करता हूँ पंजाब के तमाम लोग खैरियत से होंगे और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में बताना है। मौसम कैसा रहने वाला है अगले चंद रोज़, यानी मानसून की बारिशें कहाँ कहाँ होने वाली हैं, किन किन इलाकों में होने वाली हैं, और ईद का जो तीन रोज़ हैं वो कैसे गुजरने वाले हैं आपके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनूबी पंजाब की। तो जनूबी पंजाब में मुल्तान वगैरह, मियांवाली के कुछ इलाके आ जाते हैं, डीए खान वगैरह उधर से बॉर्डर आ जाता है, रहीम जार खान के इलाके आ जाते हैं, और यहाँ पर कहीं ना कहीं गर्मी होगी। देखिए ये वो इलाके हैं जहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ज़्यादा बारिशें होंगी, मुल्तान वगैरह, और यहाँ पे बहुत कम बारिशें होती हैं जनूबी पंजाब के अंदर। सो जनूबी पंजाब के अंदर आपको कहीं ना कहीं गर्मी की लहर दिखाई देगी, आंधियाँ होंगी, गिरदलूद हवाएँ ज़्यादा चलेंगी, बारिशें कम होंगी आपके पास, और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। वस्ती और जो कहीं ना कहीं बलाई पंजाब है, यानी जिसमें फैसलाबाद आ जाता है, लाहौर आ जाता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे साइड पे गुजरा आ जा, रावलपिंडी आ जाता है, चकवाल आ जाता है, जेहलम आ जाता है, खुशाब आ जाता है, कहीं ना कहीं ये वो इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होंगी मानसून की। सो वस्ती और बलाई पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली हैं, और जो साउथ पंजाब है यानी जनूबी पंजाब है वहाँ पर कम बारिशें होंगी, ज़्यादा बारिशें नहीं होंगी। सो आपको ईद मुबारक एडवांस में।